हाई स्कूल परीक्षा 2024 में अभी हुआ था। ये रुक जाना नहीं का पेपर है, रुक जाना नहीं में मैथ का पेपर हुआ था। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे सॉल्व करके बताते हैं इस सेशन में। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व ही कर दिया जाए तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज हम पहली वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 है, प्रश्नों की संख्या 16 है और ये मई जून में पेपर हुआ था 2024 में, ठीक है। सब्जेक्ट जो है मैथ का है, हिंदी इंग्लिश वर्जन में है, 3 घंटे का टाइम था और टोटल नंबर है 75 के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखें क्या लिखा, सही विकल्प क्यों नहीं है और लिखे क्या आएगा। देखिए, मैंने बताया था इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बोला था ऐसे क्वेश्चन आएंगे और श्योर वही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन आया है 1.1 नई किताब, ठीक है, 1.1 से आया है और इसका जो SCF होगा वो 4 होगा, ठीक है। आप इनका SCF निकाल लें, 404 कॉमन वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा, ठीक है। इसका ये द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान तो -b/a होता है, ठीक है। उस बार जो है तो अल्फा डॉट बीटा आया था, ठीक है, इस बार अल्फा प्लस बीटा पूछा और इसका क्या होता है वैल्यू c/a, ठीक है। तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, ये 2 चैप्टर से आया, ये 2 का है, वो 1st का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर हो सकता है, उपरोक्त सभी, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर 5 से आया ऑब्जेक्टिव के, बीच की दूरी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, जब मूल बिंदु दिए हों, देखो 0 0 मूल बिंदु दिए हों, x² - y² होता है, फार्मूला होता है। आपको प्यार से यहाँ पे रखना था 8² + 6² इसको सॉल्व कर देना था। देखिए 8 + 64 + 36 = 100 और जो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसका करेक्ट आंसर आया 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पेड़ की छाया, ठीक है, हम ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था 7 अध्याय से था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था, और जो 5th क्वेश्चन आया है ये आया है 9 चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे छाया हमेशा नीचे पड़ती है, तो ये दिया 20√3, ठीक है, 20√3, और पेड़ की ऊंचाई जो है 20 है, ठीक है, ऐसे रखें। तो इसमें बोला है सूर्य के उन्नयन कोण क्या बनेगा, तो डायरेक्ट आप 20 20 काट दो, कट गया तो 1/√3 बचा और ये हुआ 10 थीटा। हमेशा याद रखना 10 थीटा के बाद ये कहा जाए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 10 थीटा में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 डिग्री में, तो 10 30 का मान जो होता है, और 10 10 कट गया तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 30, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमेशा याद रखना 45 डिग्री बनेगा। यदि छाया की ऊंचाई, यदि ऊंचाई वो जो छाया है, पेड़ की जो छाया है उसकी पेड़ की ऊंचाई के बराबर हो, तो h = x हो जाता है फिर, और कंडीशन 45 डिग्री बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो प्रायिकता क्या होगी, जिसका आंसर होगा 0, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये कहाँ से आया, 9 से, और ये आ गया आपके डायरेक्ट, पुरानी किताब 14 है, नई किताब 13 चैप्टर से आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रैखिक समीकरण ax + by + c का आलेख कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सरल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यदि px एक द्विघात, ये क्वेश्चन जो आया है 7 चैप्टर से आया है, आप इसको पढ़ें, जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में मिलेगा। px यदि px एक द्विघात बहुपद है, px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं, या इसी को कहते हैं वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। ये चैप्टर 4 से आया है, याद रखें, चैप्टर 4 का जैसे ही आप चैप्टर ओपन करेंगे तो शुरुआत में ही दिया है, 2 से 3 लाइन जैसे ही आप चैप्टर 4 का पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, द्विघात समीकरण, या इसी को याद रखना वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे बुक का जो नाम आया द्विघात समीकरण के नाम से आया, इस बार इससे पहले जो था वर्ग समीकरण था, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 10 15 का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a + 9d, a का जो मान है हमेशा याद रखें, ये 5 अध्याय सब्जेक्टिव आया, ये कहाँ से आया, 4 अध्याय से, और ये वाला क्वेश्चन आ गया 7 अध्याय से। तो ए बी का जो पहला पद है ये ए है, ए की वैल्यू हुई 5, अब निकालते हैं डी, तो डी बराबर क्या होता है, डी की वैल्यू होती है a2 - a1, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 5 आया तो डी का जो मान है 5 आ गया, तो ए का मान हुआ कितना, 5 + 9 × 5, तो 5 + 45 = क्या हुआ, 50 आ गया, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, लंब, ये हुआ इसका, परपेंडिकुलर होती है।
तो ये क्वेश्चन नंबर छः जो है छः अध्याय से आया, ये पांच अध्याय से, और ये क्वेश्चन जो है 10 चैप्टर का है, ठीक है। और ये वो है थ्योरम है, थ्योरम से आया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर 6, तीन मध्य का बराबर क्या होगा बहुलक, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आया, ये चैप्टर नंबर 12 से आ गया है, ठीक है। और पुरानी किताब देखें तो 13 चैप्टर के स्टैटिक्स का है, लेकिन अब जो है 13 से आया, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से आ गया है, ये 13 से आया। और प्रायिकता जो है 14 का है, ठीक है। जो प्रायिकता है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन जो है तो 14 से है, ये 13 से आया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ सिंपल लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसमें हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUA क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा 50 आल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, पासिंग थ्रू होती है, होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगला जो है 3 मीडियन, तो यहाँ क्या हो जाएगा मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या बिल्कुल सही है, ABC की समानता में ये भी सही है, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल सब बराबर होते, ये भी सही है। किसी बिंदु की बाई एक्स से दूरी, उस बिंदु का बाई निर्देशांक नहीं होती, यहाँ एक्स होगा, बाई बोला है तो एक्स, एक्स बोलेगा तो बाई, ये रॉन्ग है। बेलन के आयतन का सूत्र सही है, और अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो ये नहीं होगा, अर्धगोले में 2 हो जाएगा, 2πr³ हो जाएगा, तो ये गलत हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से कौन सा आया, तो ये वाला चैप्टर फर्स्ट से आ गया, ठीक है। ये आया फिफ्थ से, फिफ्थ का जब आप समरी देखेंगे तो एक बॉक्स में इसका आंसर लिखा है। ये आया सिक्स से, ये क्वेश्चन जो आया है ये 7 की, जैसे ही आप 7 पढ़ेंगे, शुरुआत पढ़ेंगे तो मोटा मोटा करके लिखा हुआ बिल्कुल बोल्ड लेटर में। ये क्वेश्चन आया 12 से, याद रखें ये 12 चैप्टर का है, और ये भी दोनों ही 12 चैप्टर से आए, ठीक ना। तो 12 की प्रैक्टिस अगर किए होते तो मे बी आपसे ये बन जाना था, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मैथ्स कॉलम 1+cot, ये जो है ना, ये है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन स्क्वायर में, तो आंसर भी स्क्वायर में, पहला इसका कंप्लीट हुआ। साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, तो ये वो दूसरा हो गया। कॉट थीटा तो उल्टा होता है कॉस का, 10 का, तो ये हुआ थर्ड। पृथ्वी चाप की लंबाई, ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ, कहा जाए कि 2024 में मेन बोर्ड का जो पेपर हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, सेम यहाँ आ गए, देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन 14 चैप्टर से आया, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1, और असंभव की आई थी ऑब्जेक्टिव में 0, तो यह छठवां नंबर हो गया। वृत्त के चाप की लंबाई, जब लंबाई और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमेशा याद रखें मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसका क्वेश्चन, इसका यूनिट स्क्वायर होती है, तो इसका आंसर भी स्क्वायर में होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला ये मिल गया भाई। देखो क्षेत्रफल वाला तो ये हो गया 5वां नंबर, ठीक है, और वृत्त के चाप की लंबाई तो ये 4था हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, सब बता दिया ना। ये दोनों क्वेश्चन आए 11 चैप्टर से, ठीक है, समरी से दे दिया। ये 3 क्वेश्चन 8 चैप्टर से आ गए, और ये जो क्वेश्चन है 14 का है, ठीक है, फिर से आएंगे इसी प्रकार से आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करके रखो। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 5, 6, 30 नंबर की प्रैक्टिस, 30 में आपको तो 23 से 24 नंबर पाना है, पास हो जाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण x² + bx + c के विविक्तर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका फार्मूला जो होता है d = b² - 4ac, ये होता है, याद रखें। द्विघात समीकरण तो बिल्कुल लिखिए यस, ठीक है। ये 4 चैप्टर का है, और ये भी 4.3 का है, ये 4 चैप्टर का 4.1 का, कभी कभी एक मेन क्वेश्चन बनता है, तो इस बार क्या है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया। पहला ही क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिख दें पाइथागोरस प्रमेय लिख दें, PGT थ्योरम, ठीक है। ये 6 चैप्टर से आया, मूल बिंदु की xy से दूरी लिखे, तो इसको मैंने शुरू में अभी पढ़ाया, x² - y² होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर क्षैतिज रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा, याद रखें, इसी को कहते हैं वर्टिकली लाइन, ठीक है। ये 7 चैप्टर से आया, ये भी 7 चैप्टर का है, ठीक है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो मैनी हो सकती हैं, लिखिए यहाँ पे अनेक, इसे क्या बोलेंगे, मैनी। और ये चैप्टर 10 का है, 10.1 का पहले ही क्वेश्चन दिया। इस प्रकार से 30 के 30 जो ऑब्जेक्टिव हुए हैं कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तब तक